है व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के सिलेबस से लेकर कुछ अपडेट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक भी सिलेबस का पता नहीं है, तो उसकी जानकारी के लिए हमें सिलेबस बताने की जरूरत पड़ रही है। बाकी दोस्त जो अगर यदि प्रिपरेशन नीट कर ही रहा होगा तो उसको तो वैसे भी सिलेबस का पता चल ही गया, करके फिर भी हम एक तरीके से शॉर्टली पढ़ देते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर का जो 11th और 12th क्लास है, 11th एंड 12th क्लास जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी NCERT के अंदर, वो सब के सब नीट के अंदर पूछे जाएंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके अंदर 50% जो पेपर होता है वो बायोलॉजी का आता है, और उसको 50% जो यानी कि पेपर होता है वो ओनली फॉर बायोलॉजी से आता है, वो भी ओनली फॉर 11th और 12th की NCERT से। यानी कि इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बायोलॉजी की बात करना स्पेशल, यानी कि आजकल 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 90 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट NCERT की लाइन से उठे हुए आएंगे। बाकी 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो भी आते हैं NCERT से, लेकिन उसमें से कुछ ऑप्शन जो होते हैं ABCD जो ऑप्शन आते हैं उसमें से कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो बाहर के भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। इसके बाद अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है अपने पास तीन पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो आप अगर NCERT पढ़ोगे 11th 12th की, NCERT पढ़ोगे 11th 12th की तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप फिजिकल के अंदर NCERT पढ़ते हो तो इतना काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशन आते हैं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना ही पेपर आपका अच्छा फटेगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर भी आप NCERT को प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन फिजिकल के अंदर आपको नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स भी तरीके से जिसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा हो, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर तो थ्योरी पढ़ने से तो कुछ भी काम नहीं चलने, और उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, अगर आप उसकी थ्योरी थ्योरी भी ठीक से पढ़ लेते हैं शुरू से, तो उसमें से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके परफॉर्मेंस हुआ ऐसे 5-7 जो क्वेश्चन तरंग है वो उसके अंदर लगभग थ्योरी आती है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो एक चैप्टर है उसके अंदर आप अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन बैठ जाते हैं, लेकिन यह मान लो कि 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थ्योरी बेस आते हैं, बाकी सब के सब जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसके अंदर आपको करनी है प्रैक्टिस, पुराने मॉडल पेपर ले लो, कहीं से किसी के नोट्स लेके ले लो, कैसे भी करो, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पेपर उतना ही अच्छा बैठेगा फिजिक्स का। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर पढ़नी है आपको 11th 12th की NCERT, केमिस्ट्री के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर आप पढ़ सकते हो NCERT, बाकी फिजिकल के अंदर आपको क्वेश्चन ही लगानी है मैक्सिमम, और फिजिक्स के अंदर आप थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ सकते हो, बाकी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही न्यू अपडेट लाते रहेंगे और न्यू जानकारी देते रहेंगे ऑल एग्जाम से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत।